मेरी और आरिस की शॉपिंग जो हम लोगों ने ईद पे की लिया। मैंने कहा कि बाद में इसको स्टिच करवा लूँगी। डिसेंट सा और बहुत अच्छा सिंपल सा कुर्ता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और जी कैसे गुजरे आप सब के रोज़े? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से किधर गायब थी, मेरी कोई वीडियो नहीं आई। तो मेरे चैनल के साथ एक प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर सकी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। और ईद की तैयारियां ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है अपने लिए ईद के लिए, और आरिस के लिए कौन सी शॉपिंग की है। तो जी अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं अफ्तारी बना रही हूँ, और आज अफ्तारी में मैं चिकन पकौड़े बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चिकन लिया है, उसके अंदर थोड़े से अनियन चॉप करके डाले हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया। अब जी मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, बेकिंग सोडा, चिली फ्लेक्स, खुश्क धनिया, चिली सॉस और सोया सॉस डाली। फिर इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, तो चिकन के पकोड़े इस तरह से बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते होते हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। तो जी पकोड़े रेडी हो गए हैं, और साथ में मैं टैंग बना रही हूँ। तो मैंने पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी को मिक्स करके, तो इस तरह से एक सिरप पहले से बना के रख लेती होती हूँ। फिर मैंने आइस क्यूब डाले, टैंग डाला, शुगर सिरप डाला, और टैंग हमारा रेडी हो गया था। तो अफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। तो मैंने ईद के लिए दो सूट लिए हैं, एक अनस्टिच लिया है। मेरा इस दफ़ा प्लान था कि मैं ईद पर पिंक कलर का सूट पहनूंगी, तो वो फिर मुझे स्टिच मिला नहीं है कोई कुर्ता, तो फिर मैंने अनस्टिच ही ले लिया। मैंने कहा कि बाद में इसको स्टिच करवा लूँगी। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सा है, और मुझे इसी तरह के कपड़े पसंद होते हैं जिस पे ज़्यादा काम वगैरह ना हुआ हो। और एक मैंने स्टिच कुर्ता लिया ब्लैक कलर का। प्लान तो मेरा नहीं था कि मैं ब्लैक कलर का लूँगी, लेकिन और कोई मुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो फिर मेरी किस्मत में ही ब्लैक लिखा था, तो फिर मैंने यही ले लिया। अच्छा, ये भी बहुत डिसेंट सा और बहुत अच्छा सिंपल सा कुर्ता है, तो ईद पर मैं यही पहनने वाली हूँ। और इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र या टाइट्स वगैरह चल जाती है। और जूते तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक और ले लिया, गोल्डन कलर का जूता स्टाइलो से लिया मैंने, और फ्लैट में है तो काफ़ी कंफर्टेबल है। आरिस के लिए मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं, ये सैंडल टाइप बने हुए हैं, ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल से हैं। तो इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे, लेकिन मुझे यही वाला अच्छा लगा, तो फिर मैंने यही ले लिया है इसके लिए। और जी लिटिल पीपल से आरिस के लिए शर्ट्स लिए हैं और शॉर्ट्स लिए हैं, और इनके कपड़े भी बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे, और मटेरियल और क्वालिटी भी कपड़ों की बहुत अच्छी होती है। तो ये एक मैंने इसका शॉर्ट लिया, मैंने कहा ये घर में पहन लेगा। और साथ में ईद के लिए इसका ब्लू शॉर्ट लिया कि ये ईद पे पहनेगा, और इसके साथ मैंने ब्लैक कलर की शर्ट ली है इसकी, और मिनी माइनर से भी मैंने इसकी एक शर्ट ली है। इसके लिए स्लीवलेस शर्ट्स भी ले लिए, मैंने कहा ये घर में पहन लेगा, कि आप आए हुए हैं तो ये गर्मियों के भी थोड़े बहुत कपड़े जो हैं वो इसके ले लेते हैं। तो ये फिर थ्री पैक्स में था, तो मैंने थ्री वाला ही ले लिया, ये सिंगल में नहीं मिल रही थी, कुछ में जो मिल रही थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो जी ये है मेरी और आरिस की शॉपिंग जो हम लोगों ने ईद पे की है। और इन जनाब को देखें, ये कार्टून देखते देखते सो गए हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर मस्ट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।